हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले पीडब्ल्यूडी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो गए हैं, जिसके चलते कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया है। साथ ही जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में करनाल के लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे कर्मचारी नेताओं ने अपना रोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जलमल के कार्य को नगर निगम व गांवों में पंचायतों को सौंपा जा रहा है, जिसका पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन पूरे प्रदेश में विरोध कर रही है। सरकार पीडब्ल्यूडी विभाग को पहले ही निजी हाथों में सौंप चुकी है और नए नियमों के तहत सिंचाई विभाग में कर्मचारियों की छंटनी भी करना चाहती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अगर कर्मचारियों की मांगे नहीं मानती है तो आगामी दिनों में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन के तहत सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों का डटकर विरोध किया जाएगा। इस धरने में सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस मौके पर सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई। मैकेनिकल वर्कर यूनियन पूरे प्रदेश में अपनी पॉलिसीज मैटर की मांगों को लेकर आज विरोध स्वरूप अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजेगा। इसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो जल व मल की व्यवस्थाओं को नगर निगमों और पंचायतों के सरकार हवाले कर रही है, उसके विरोध में जो नए नॉर्म बना के सिंचाई विभाग में कर्मचारियों को कम संख्या करने का जो प्रयास सरकार ने किया है, उसके विरोध में जो हमारा कच्चा कर्मचारी पक्का नहीं करे, उसके विरोध में जो हमारा टर्म अपॉइंटिंग कर्मचारी 14 साल से कच्चा बैठा है, सरकार उसके ऊपर कुछ भी वो नहीं कर रही है उसके पक्का करने के पक्ष में, और जो हमारी सबसे बड़ी वेतन विसंगतियां और सर्विस रूल अनोमलीज जो हमारी खड़ी हैं, जिसके कारण जो हमारा मैट्रिक आईटीआई पास कर्मचारी जिन पदों की भर्ती योग्यता है उसको अन्य विभागों में 2400 का ग्रेड पे मिल रहा है, जबकि इस पीडब्ल्यूडी के दोनों विभागों में 1900 का और 1800 का ग्रेड पे मिल रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं और ये हमारे विभाग सरकार जो बेचने का जो प्रयास कर रही है उसके विरोध में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। यदि अतिशीघ्र सरकार ने हमारी मांगों पर गौर नहीं किया तो हम और लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार होंगे। पूरे प्रदेश में ये पूरे प्रदेश में आज सभी जिलों पर इसी प्रकार के धरने देकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। मैकेनिकल वर्कर यूनियन आज पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे के ज्ञापन देंगे डीसी के उपायुक्त डीसी के माध्यम से, क्योंकि हमारी मांगे हैं सर्विस रूल की बातचीत हो, अन्य निजीकरण की जो जन स्वास्थ्य विभाग को ठेके पे देने की बातचीत है, सिंचाई विभाग को भी ठेके पे दे रहे हैं, B&R तो ठेके पे चला गया सड़कों का काम। हम कहना चाहते हैं अभी अगर सरकार ने इन मांगों का समाधान नहीं किया तो सेंट्रल कमेटी जो भी देश के अगला आंदोलन होगा उसको पूरी तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि हमारे जो मांगे हैं वो पॉलिसी मैटर है, सरकार की जो पॉलिसी है हम उसका विरोध करते हैं, और निजीकरण जो सरकार विभागों को बेच रही है हम बेचने नहीं देंगे, यही कहना चाहते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.